हेलो गाइस, टेक ब्रेडेड की प्रॉब्लम सॉल्विंग इन पाइथन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम हमने रखा है ओलंपिक विनर। सो हम देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन ओलंपिक्स द कंट्रीज आर रैंक बाय द टोटल नंबर ऑफ मेडल्स। कोई भी ओलंपिक में कंट्री की रैंक किस पे डिपेंड रहती है कि उस कंट्री के पास कितने मेडल्स आए हैं, वो कंट्री कितने मेडल जीती है। तो आपको क्या दिया गया होगा, दो कंट्रीज के आपको मेडल काउंट दिए होंगे। मींस G1, S1, B1 मींस गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये एक कंट्री के मेडल काउंट है। और G2, S2, B2 ये सेकेंड कंट्री के मेडल काउंट से रिस्पेक्टिवली फॉर गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ये दो कंट्री के आपको मेडल काउंट्स दिए गए होंगे और आपको क्या करना है, इन मेडल काउंट से बताना है कि लीडर बोर्ड में कौन सी कंट्री दूसरी कंट्री से ऊपर है। तो इन दो कंट्रियों में से लीडर बोर्ड में कौन ऊपर है ये आपको बताना है। और ये बिल्कुल फिक्स है कि दो कंट्रीज में टाई नहीं है। तो देखिए, अगर किसी कंट्री के पास गोल्ड मेडल हो तो उस कंट्री को पर्टिकुलर मेडल के लिए 3 पॉइंट दिए जाएंगे, सिल्वर हो तो वो सिल्वर मेडल के लिए 2 पॉइंट दिए जाएंगे और ब्रॉन्ज हो तो उसको 1 पॉइंट दिया जाएगा। इस पॉइंट का यूज करके आपको उस कंट्री की रैंक फाइंड करनी है। तो आपको क्या फाइंड करना है, कौन सी कंट्री बेटर रैंक पे है। इनपुट फॉर्मेट क्या है, आपको फर्स्ट लाइन पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट लेने हैं, मतलब आपको कितनी टेस्ट केसेस के लिए अपना प्रोग्राम रन करना है। हर टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन पर आपको क्या करना है, 6 नंबर्स इनपुट लेने हैं, यानी कि 6 नंबर्स, पहले 3 नंबर G1, S1, B1 फॉर फर्स्ट कंट्री, G2, S2, B2 फॉर सेकेंड कंट्री। यहाँ G मीन्स गोल्ड, S मीन्स सिल्वर एंड B मीन्स ब्रॉन्ज रहेगा। आपने ये 6 इंटेजर इनपुट ले लिए तो उसके ऊपर ऑपरेशन करके आपको बताना है कौन सी कंट्री ऊपर है। अगर फर्स्ट कंट्री बेटर रैंक पे है तो आपको प्रिंट 1 करना है, और अगर सेकेंड कंट्री बेटर रैंक पे है तो आपको प्रिंट 2 करना है। सैंपल इनपुट देखिए, यहाँ 2 ये टेस्ट केसेस है, तो हमने ये फर्स्ट टेस्ट केस और ये सेकेंड टेस्ट केस, दो टेस्ट केस के लिए हमने ये प्रोग्राम रन कर दिया। तो पहली कंट्री के पास 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है, सेकेंड कंट्री के पास 0 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। तो इस सेकेंड कंट्री के पॉइंट हो गए 5 प्लस 4, क्योंकि सिल्वर के लिए 2 पॉइंटेड 2 सिल्वर है, यानी उसके 4 पॉइंट हो गए, तो 5 प्लस 4 9 हो गए। और इस कंट्री के पास 3 ब्रॉन्ज है, यानी 3 पॉइंट, 2 सिल्वर है यानी 4 पॉइंट, 3 प्लस 4 7 और 1 गोल्ड है यानी 3 पॉइंट्स। मीन्स टोटल फर्स्ट कंट्री के 10 पॉइंट, सेकेंड कंट्री के 9 पॉइंट्स। तो ऑब्वियसली फर्स्ट कंट्री के पास ज़्यादा पॉइंट है, तो रैंक बेटर है फर्स्ट कंट्री। और सिमिलरली हम सेकेंड का कैलकुलेट करेंगे तो सेकेंड कंट्री की रैंक बेटर आ जाएगी। तो बिना वक्त गवाए कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले लाइन पर टेस्ट केसेस इनपुट लेनी है जो कि इंट रहेंगे। तो देखिए, मैंने इनपुट ले लिया टी में, टी फॉर टेस्ट केसेस। देन हर एक टेस्ट केस के लिए हम एक ही लाइन इनपुट लेंगे, जिसमें 6 इंटेजर्स होंगे, 3 इंटेजर्स फॉर फर्स्ट कंट्री, 3 इंटेजर्स फॉर सेकेंड कंट्री। तो देखिए, मैं यहाँ टेस्ट केसेस के लिए लूप बना देता हूँ। तो जितने टेस्ट केसेस है उतने बार ये लूप रन होगा। और हमें क्या इनपुट लेना है, G1, S1, B1, फिर G2, S2, B2 अभी हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे एक ही लाइन इनपुट लेने के लिए। मैप सभी इंटेजर से, इसलिए डेटा टाइप इंट, इनपुट और इनपुट्स को हम स्प्लिट कर देंगे। तो ये हमारे वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगे, हमारे 6 इंटेजर्स। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, कौन सी कंट्री के पास ज़्यादा पॉइंट्स है। फर्स्ट कंट्री के पॉइंट्स कैलकुलेट कर दे। देखिए, C1 इक्वल टू G1, यानी फर्स्ट कंट्री के गोल्ड है उसको 3 पॉइंट्स है, इसलिए G1 इंटू 3 प्लस S1 इंटू
टू प्लस बी वन इंटू वन। तो गोल्ड जितने मेडल्स है उनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिल्वर मेडल्स को 2 से और ब्रॉन्ज मेडल को 1 से मल्टीप्लाई करके उनके एडिशन कर देंगे। सिमिलरली फॉर हम सेकेंड कंट्री कर देंगे जी, 2 इंटू 3 प्लस यस 2 इंटू 2 प्लस बी 2 इंटू 1। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए दोनों कंट्रीज के पॉइंट। अगर C1 कंट्री के पॉइंट C2 कंट्री से ज़्यादा है तो हमें प्रिंट करना है 1, अदरवाइज हमें प्रिंट करना है 2। यानी अगर C1 के ज़्यादा है इफ में तो बचा क्या C2, तो एल्स में ऑब्वियसली C2 के ज़्यादा रहेंगे इसलिए हम 2 प्रिंट कर देंगे। तो देखिए बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम था दोस्तों, आपको सिर्फ लॉजिक लगाना था क्या कि आपको पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, और आपको सिर्फ कंपेयर करना था कौन से कंट्री के पॉइंट्स ज़्यादा है। तो ये था प्रॉब्लम्स फॉर बिगिनर इन पाइथन। सो देखिए रन कर देता हूँ, 2 टेस्ट केसेस के लिए रन कर देता हूँ। देखिए हमारा सैंपल ही मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट सैंपल देखिए 1 आउटपुट आ गया फर्स्ट कंट्री। देखिए सैंपल आउटपुट में आ गया, फर्स्ट कंट्री विनर है। सेकंड के लिए 2 आउटपुट आ गया क्योंकि सेकंड कंट्री के पॉइंट 7 है, फर्स्ट कंट्री के पॉइंट 6 है। तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था, मुझे आशा है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।